अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाजिया फूड हब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माश की दाल की ड्राई रेसिपी, ड्राई माश की दाल। और तो आइए बनाते हैं ड्राई माश की दाल। इसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है मटन या चिकन कोरमा, और ये एक ट्रेडिशनल दाल है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखें, इसके लिए मैंने लिया है ये एक मग है ये माश की दाल, और इसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रखा है और ये अच्छी तरीके से फूल गई है। और ये तड़के के लिए मैंने ली है आधी प्याज, 2-3 हरी मिर्चों को कट कर लिया है बारीक, और ये है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच है ज़ीरा, आधा चम्मच है काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंगे, 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 लाल मिर्चें हैं और 2 तेज पत्ते। तो सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर प्रेशर कुकर, और उसके अंदर हम ये भीगी हुई दाल को डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बस हम इतना रखेंगे कि दाल हमारी भीग जाए, ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी जब डल जाता है तो दाल गीली बन जाएगी। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और ये सारे मसाले जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, लौंगे, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, आधा चम्मच है काली मिर्च के दाने, 2 तेज पत्ते और ये 2 लाल मिर्चें। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 4 विसल दे देंगे जिसमें दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। अब इधर रखा है मैंने पैन तड़के के लिए। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच भर के, और इसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ये देखें घी हो गया है गर्म। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे प्याज, और आधा चम्मच ज़ीरा, और प्याज को थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें प्याज ने अपना थोड़ा सा कलर चेंज किया। इस टाइम पे हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें, और बस थोड़ी देर तक हम इसे पका लेंगे। दाल को हम चेक कर लेंगे। तो ये देखें दाल एकदम अच्छी तरह से गल गई है, एकदम खिली खिली बन के तैयार हुई है। तो इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी भुनी हुई दाल की? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।